Hi everyone, this is Roy from Studio 9 और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे आप एक डिवोशनल सॉन्ग FL Studio में कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जो VST इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यूज किया है वो हम देखेंगे, तबला कैसे आपको प्रोग्राम करना है, कौन से बोल मैंने यूज किया है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ कौन से और इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करना है, कैसे बहुत इजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलिए। यहाँ पे बहुत सारे FL Studio, Studio One, Cubase, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, कीबोर्ड प्लेइंग के ऊपर कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं। इंडियन इंस्ट्रूमेंट खास करके कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे इंडियन टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनाना है, इसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। शॉर्ट प्लग के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको इंटरनेट पे और कहीं पे नहीं मिलेगा। डू चेक आउट माय चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले एक डिवोशनल सॉन्ग जो होते हैं या फिर जो भजन टाइप या फिर जो गजल टाइप सॉन्ग्स जो होते हैं, वहाँ पे एक चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन। पहले जमाने में सिर्फ एक हारमोनियम, उसके साथ तबला, उसके साथ थोड़े बहुत परकशंस और फ्लूट और मेन सिंगर, इसी से काम चल जाता था। लेकिन अभी के ज़माने में अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने जो मेन लीड इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया है वो है फ्लूट। ये एक रिकॉर्डेड फ्लूट है जो मैंने खुद प्ले किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप स्वर प्लग का जो फ्लूट है, स्वर प्लग का जो ML पैक का जो फ्लूट है वो आप यूज कर सकते हैं। स्वर प्लग के नॉर्मल जो फ्लूट हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ML पैक्स के जो फ्लूट हैं वो अगर यूज करते हैं, दैट इज बेस्ट VST प्लगइन यू कैन हैव फॉर फ्लूट। इंडियन म्यूजिक के जो मीड होते हैं, जो गमक होते हैं, वो VST में अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा रिकमेंडेड यही है कि आप एक प्रॉपर फ्लूट प्लेयर के साथ इसको रिकॉर्ड करिए। लेकिन अगर आपके पास प्लेयर नहीं है तो आप स्वर प्लग का यूज कर सकते हैं। इसका जो लिगाटो प्लेइंग है वो बहुत ज्यादा सुरीला है, बहुत ज्यादा इंडियन टाइप लगता है सुनने में। फ्लूट कैसे प्रोग्राम करना है इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप ये वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, दैट इज द फ्लूट मास्टर क्लास। अगर आपको रियलिस्टिक फ्लूट प्रोग्राम करना है जरूर आप इस वीडियो को चेक करिए। अभी नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है तबला। तबला ऐसे जो डिवोशनल सॉन्ग है या फिर जो क्लासिकल गजल म्यूजिक है उसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तबले के कुछ बोल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इन सारे जो जॉनरा है वहां पे यूज होता रहता है। ये जो ताल है ये है कहरवा ताल। जनरली जो डिवोशनल सॉन्ग होते हैं या फिर गजल होते हैं या तो कहरवा या फिर दादरा में होता है। कहरवा जो ताल है ये है 8 मात्रा। इसके बहुत सारे बोल हैं जिसमें से जो मेन ठेका है वो है धा धिन ना तिन नाना तिटे, लेकिन वो वाला ठेका यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं और एक ठेका यूज कर रहा हूँ। ये साउंड करता है कुछ ऐसा। तो ये बोल जाता है कुछ ऐसे, धा तिटे धिनक तिन ता तिटे घिनक धिन धा तिटे घिनक तिन ता तिटे घिनक धिन धा। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ से आ रहा है। तो ये है नेटिव इंस्ट्रूमेंट का इंडिया लाइब्रेरी, और इसका जो तबला लाइब्रेरी है वो मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। बहुत सारे फ्रेजेस हैं और वन शॉट्स भी हैं। अगर आपको बोल प्रॉपरली पता है तो आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे मिलते हैं तबले के बोल बताने के लिए, बोल बताने के लिए, तो मैं सारे बहुत सारे बोल हैं तबले के, मतलब हजारों की संख्या में बोल हैं, तो उसको मैं कैसे बोलूं। लेकिन हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि एक दो नए नए बोल आप लोगों को बोलने के लिए और उसको प्रोग्राम करके दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो बोल मैंने यूज किया है, जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होता है, धाति धिनक तिन ता तिट घिनक धिन धा। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे सारे जो धा धिन टेटे ये सारे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। घिनक धिन धा तिट धिनक तिन ता तिट घिनक धिन। और अगर ऐसे MIDI फाइल बनाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं studio9musicproduction.com पे। यहाँ पे आपको जाना है S9 स्टोर पेज में। स्टोर पेज में अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स, MIDI फाइल्स, गिटार लूप्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्री लूप्स हैं, आप चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। गिटार के फ्री लूप्स हैं, कहोन के, यूकेलेले के, बहुत सारे फ्री लूप्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और MIDI सेक्शन में अगर आप आते हैं तो नेटिव इंस्ट्रूमेंट इंडिया का जो तबला लाइब्रेरी है उसके लिए पर्टिकुलरली मैंने MIDI फाइल्स डिजाइन किए हैं। अगर आप चाहते हैं आप उसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो तबला MIDI फाइल्स हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है एक बेस गिटार। तो बेस गिटार के लिए मैं यूज कर रहा हूँ वेव्स का बेस फिंगर स्टूडियो, बहुत अच्छा प्लगइन है।
तो इंडियन गिटार के इंडियन सॉन्ग्स के साथ बेस गिटार को बजाना, बेस का पैटर्न बजाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं स्टैंडिंग नोट यूज कर सकते हैं, या फिर आप तबले को तबले के हिसाब से थोड़ा सा पैटर्न सोच सकते हैं। अभी इसके बाद आता है गिटार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों गिटार। गिटार पहले के जो सॉन्ग्स हैं, मतलब 70s के पहले, ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता था। उसके बाद से ये इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको रिदम मिलता है और स्केल भी मिलता है। ऐसा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको ये हमेशा यूज करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी अगेन। तो इसका जो पिक्ड एकोस्टिक लाइब्रेरी है उसको मैंने यूज किया है। अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप एम्पल गिटार यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप रियल गिटार यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। गिटार कैसे प्रोग्रामिंग करना है इसके बारे में एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल सीरीज है मेरे चैनल पे, जो आपको यूट्यूब पे और कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको गिटार में इंटरेस्ट है तो जरूर आप ये ट्यूटोरियल देखिए। कॉन्टैक्ट का जो ये लाइब्रेरी है, साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद का पैटर्न यहाँ पे बना नहीं सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न को तोड़ मरोड़ जरूर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली खुद का पैटर्न आप यहाँ पे डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यूज किया है पियानो। तो ये जो पियानो है, ये भी मैंने खुद प्ले नहीं किया है, ये बने बनाए मुझे मिल जाते हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वर्चुअल पियानिस्ट फ्रॉम यूजैम इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो वोग करके वर्चुअल पियानिस्ट है, इसका सुविधा ये है कि अगर आपको कीबोर्ड बजाना नहीं भी आता है तो भी आप इसको सिंपली यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे की सिलेक्ट करिए, जैसे कि देखिए सी, जो सी मेजर जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अभी आप यहाँ पे कोई भी कॉर्ड बजाइए, वो आपका सी मेजर स्केल में ही होगा। देखिए आप ये पैटर्न बजा दे रहा है पूरा। अगर आपको पैटर्न चेंज करना है आप यहां से कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला कर दिया मैंने। अगर आपको रेंज चेंज करना है वो आप यहां से कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग VST है, साउंड तो अच्छे हैं ही, इसके साथ इतने सारे पैटर्न्स हैं कि आपको अगर पियानो बजाना नहीं भी आता है आप तो छोटा मोटा कवर बना ही सकते हो इसे। इसको भी कैसे यूज करना है इसके ऊपर मेरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल है, अगर आप चाहते हैं इसमें क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो मैंने चीज यूज किया है वो है घुंघरू का साउंड। बहुत अच्छा एक इंडियन फीलिंग आपको यहाँ पे देता है ये। ये मैं ले रहा हूँ स्वरप्लग से। स्वरप्लग का जो कोड लाइब्रेरी है वहां पे आपको घुंघरू का साउंड मिल जाता है। बहुत अच्छा साउंड है। इसके बाद मैंने यहाँ पे तानपुरा यूज किया है। तानपुरा अगेन आ रहा है स्वरप्लग से। स्वरप्लग का एमएल पैक से मैं ये तानपुरा ले रहा हूँ। अगर आप जाते हैं एमएल पैक 3 थ्रोन्स में, तो MLP 3 में एक तानपुरा है, बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तानपुरा लो जो है वो मैंने यूज कर रखा है यहाँ पे। मिक्सिंग कैसे करना है, फ्लूट कैसे मिक्स करना है, तबला कैसे मिक्स करना है, इन सब के ऊपर डिटेल्ड ट्यूटोरियल आने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय द वे, अगर आपको FL Studio अच्छे से जानना है तो आप जा सकते हैं s9academy.com पे। यहाँ पे FL Studio के जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं, जो एकदम बिगिनर लेवल पे शुरू होता है, जिसके अंदर आपको म्यूजिक थ्योरी, बीट मेकिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग सबके ऊपर यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इसको आप डेस्कटॉप में या फिर आपके एंड्रॉइड फोन में भी देख सकते हैं। अगर आपने s9academy का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स, मोर देन 10 आवर्स के कोर्स, सारे जो म्यूजिक थ्योरी है, बीट मेकिंग के बेसिक्स हैं, सॉन्ग प्रोजेक्ट सीखे हैं मेरे चैनल में, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। जरूर चेकआउट करिए और s9academy की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब के लिए टेक केयर, टाटा एंड कीप प्रोड्यूसिंग म्यूजिक।